कांग्रेस प्रत्याशी संजय कपूर ने किया नामांकन दाखिल। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव एवं लोकसभा प्रत्याशी संजय कपूर ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। उसके बाद संजय कपूर अपने कार्यकर्ताओं के साथ नूर महल पहुंचे, जहां पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि संजय सजा मुझे आज बहुत खुशी है और मैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि इस मंच पर हमारी बेगम साहब की क्यादत में नवेद मियाँ, हमजा मियाँ, डॉक्टर तनवीर साहब, पप्पू खान चेयरमैन, बहुत से लोग बाकी कांग्रेस के साथी तो हैं, चाहे फैसल लाला हों, चाहे अपने मती रमन डब्ल्यू हों, यूसुफ अली साहब हों, कांग्रेस के लोग कहीं बाकी नए लोगों ने भी ज्वाइन करके और आज हमारे बिलासपुर के नगर पालिका के जो प्रत्याशी थे उन्होंने भी बसपा छोड़ के कांग्रेस में शामिल हुए, समीर रजा। और मुझे पूरा विश्वास है ये जो शुरुआत आज हुई है ये हर दिन बढ़ेगी और चुनाव सांप्रदायिक ताकतों को हराएगी कांग्रेस। चुनावी रण में जो है आप अपना मुकाबला किससे मानते हैं? सांप्रदायिक ताकतों से, चाहे भाजपा की सांप्रदायिकता हो, चाहे कांग्रेस की उसकी सपा मुद्दों को लेकर विकास और भाईचारा, विकास की बात करेंगे, तरक्की की बात करेंगे, भाईचारे की बात करेंगे। आपने देखा जो मौजूदा सरकार है मोदी जी की, जो बहुत वायदे करे थे 2 करोड़ों को रोजगार देंगे नौजवानों को, काला धन वापस आएगा, 15 लाख रुपए खाते में आएंगे, 25,000 पेंशन मिलेगी, कोई काम नहीं हुआ, जनता परेशान है, नौजवान उनसे जवाब मांग रहा है, तो वो दूसरी तरफ देशभक्ति की और देशद्रोही की बात शुरू कर रहे हैं, तो उनसे सवाल पूछ रहे हैं नौकरियों का क्या होगा, नौजवान तो कह रहे हैं देशद्रोही, तो नौकरी सवाल पूछना देशद्रोही है, इससे बड़ा हिटलरशाही और डिक्टेटर नहीं हो सकती। पीछे जो बदलाव सांसद रह चुके हैं उन्होंने कई ऐसे वायदे किए जो पूरे नहीं कर पाए हैं, और जनता कहती है कि सभी जो है चुनाव के टाइम में जो है वायदे करते हैं फिर पूरे नहीं कर पाते। मैं 10 साल बिलासपुर से विधायक रहा हूँ, मैंने अपने कार्यकाल में 5 पुल बड़े पुल बनवाए, जनता की परेशानी को दूर करने का काम किया। आज लालपुर का पुल कोस रहा है, उस एरिए के लोग कोस रहे हैं, परेशान हैं, उनका रास्ता बंद पड़ा है। मैं अगर जनता चुनती है तो सबसे पहले मेरी प्राथमिकता लालपुर का पुल रहेगा। तो आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं विकास और भाईचारे की बात कर रहा हूँ। देश में 2 विचारधाराएं हैं, एक विचारधारा मोदी जी की विचारधारा है, जो कम्युनल विचारधारा है, एक विचारधारा वो जो गंगा जमुनी तहजीब की है, जिसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब शामिल है, जो राहुल गांधी की विचारधारा है कांग्रेस पार्टी की। तो मुझे पूरा विश्वास है आम जनमानस उसके साथ खड़ा होगा और राहुल गांधी अगले देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। ये रामपुर का सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का, इसमें आप बेरोजगारी 2 करोड़ लोगों को बेरोजगार रोजगार देने का वायदा किया, कोई सब खत्म हो गया, कोई काम 5 साल में बताएं भारतीय जनता पार्टी के नेता चाहे स्टेट की गवर्नमेंट हो या सेंट्रल, क्या काम है देश के लिए या प्रदेश के लिए, सब खाली लच्छेदार भाषणों से जनता संतुष्ट नहीं होगी जब तक आप उन्हें प्रैक्टिकली काम नहीं देंगे।